कल वीडियो डाली थी उसमें तीन भाइयों के कमेंट सही आए थे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को गिफ्ट हमने भेज दिया गया। वैसे धर्मेंद्र डोगरा जी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, वो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और शादी की काफी सारी मिठाइयां भी मेरे से लेके जा चुके हैं। कल उनका गिफ्ट आया था, गिफ्ट क्या वैसे ही खुशी होती है, एक निकला था पहला ही कमेंट उनका ही था, ये दो बिस्कुट आज कोरियर के द्वारा उनका एड्रेस मेरे पे आ चुका है, रानीबाग से है, वो व्हाट्सएप पे भेजा था उन्होंने। एक भाई का और आया था जो हैदराबाद से है, उनका ये कोरियर तैयार हो रहा है उनका, उन्होंने दो बिस्कुट के अलग से पैसे दिए हैं, चार बिस्कुट जाएंगे उनके पास। लेकिन एक भाई का एड्रेस नहीं आया, वो भाई अपना एड्रेस व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, मिल्क केक का था उनका तो पहले ही पहुंच गया। कई भाई आजकल मिठाइयों का बिजनेस कर रहे हैं, जो मिठाइयां बाहर जाती हैं ड्राई मिठाई है, मिल्क केक जाएगा, अलवर का मिल्क केक का, ये 3 किलो का बॉक्स है। आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा मैं आपसे, क्योंकि संडे को और वीरवार को मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। लेकिन आसाम के अंदर आज मिठाइयां तो काफी सारी जा रही है, अगर मिल्क केक का बिजनेस करेंगे तो सूखा बिजनेस है, जल्दी से खराब नहीं होता है और ये मार्केट में होलसेल में आप बेच सकते हैं दुकानों पे जाके, ये हर जगह चलने वाला आइटम है, ये हर कोई जानता है, इंडिया फेमस है। मिल्क भी बंदे इसका बिजनेस भी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़कर। वैसे तो हमने आज जो आसाम में जाएगी ये डोडा बर्फी भी जा रही है, ये 2.5 किलो का बॉक्स है, उन्होंने काफी सारी मिठाइयां मंगाई है। काजू पतीसा है ये भी जा रहा है आसाम के अंदर, ये आप देख ले काजू पतीसा भी जा रहा है आसाम के अंदर, 4 तरह की मिठाइयां जा रही हैं और एक जाएगी पिस्ता बर्फी, मैं खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, ये भी पार्सल पैक हो जाएगा थोड़ी देर में। हैदराबाद वालों का, धर्मेंद्र डोगरा जी का, उनको नमस्कार दिल से करना चाहता हूँ धर्मेंद्र डोगरा जी को। ये बीकानेरी बर्फी जा रही है और एक पिस्ता बर्फी भी जाएगी, बाहर रखी हुई है, मैंने बताया था भीड़ रहती है, रेट नहीं खोलना चाहता। वैसे रिटेल में हमारे यहाँ 180 रुपए किलो है, बाहर मार्केट के अंदर 350-400 रुपए किलो रेट होगा इसका अलवर के मिल्क केक का, लेकिन होलसेल में आपको काफी फायदा हो जाएगा, आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। और अपना बिजनेस है, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई शर्माए ना यार, अपना बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस ही होता है। काफी सारे MBA चाय वाले आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में घुस गए हैं, नमकीन है ये पैकेट छोटे छोटे बना रखे हैं बसों में, स्टेशनों पे, या बाहर जाकर देखो यार, अच्छा पैसा कमाते हैं 5-5 या 10-10 रुपए के पैकेट केवल बेचकर, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। शर्म नहीं होनी चाहिए अपने बिजनेस में, अपना बिजनेस अगर चालू हो जाता है, चल जाता है, तो वही एक दिन बड़ा बन जाता है। धंधा कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपके हाथ में है, आप चाहे इसको छोटे लेवल से शुरू कर लें। करने वाले तो 2-2 हजार रुपए में बिजनेस चालू कर दिया कई भाइयों ने, जिनके पास पूंजी कम है, लेकिन अपना बिजनेस कर रहे हैं और फिर भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं बिल्कुल कम पैसों में। मंडी से जाके कोई सब्जियां भी ले आता है, कोई छोटा बिजनेस कर लेता है, भाई पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो अपना बिजनेस बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे हर संडे को, हर वीरवार को मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, उसी में से कुछ सवाल छोड़ देता हूँ मैं आपको, उसका आंसर आपको कमेंट्स में देना होता है, जो आंसर सही होते हैं उनको अपनी तरफ से मैं गिफ्ट भेजता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हर समय आपको नई नई जानकारियां हमेशा ले आता रहता हूँ। आप अगर इसका बिजनेस करेंगे होलसेल रेट में, आप दिल्ली से बाहर हैं तो सैंपल मंगा लें, मिल्क केक है या सूखे आइटम है जो ड्राई आइटम है, अगर आप नजदीक हैं तो मेरी शॉप पर आकर इसका आइडिया भी ले सकते हैं और लोकल मार्केट में भी शुरू कर सकते हैं। मेरे से नहीं करें तो आप अपना बिजनेस करें, जहां भी आपके लिंक है या जहां पे जुड़े हुए हैं आप उनसे माल लेकर अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, कम पैसों में ही शुरू हो जाएगा ये बिजनेस। हर शाम वीडियो 8 बजे आती है सुंदर स्वीट्स चैनल पे, मुझे कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद, चाहे बिजनेस की जानकारी लेनी हो, आइडिया लेना हो या नया बिजनेस शुरू करना हो, भी बिजनेस करना चाहते हैं इसका तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।